आज कर तो लेते हैं। शुरू करते हैं सेशन आज की। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे डेटा टाइप्स की, जो कि हमने आपको पढ़ाए थे लास्ट क्लासेस में। तो सबसे पहला है कि मुझे क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन का मान लीजिए 50, क्वार्टर टू का मान लीजिए 60 है, तो ग्रोथ का क्या होगा? तो मुझे सी टू में ग्रोथ निकालना है। तो चलिए इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। और यहाँ पे जी आर टी के नाम से हमने यहाँ पे मैक्रो बनाया। और सबसे पहले अभी क्या है कि मेरे पास दो इनपुट है जो कि नंबर्स में है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि डिम क्यू वन कॉमा क्यू टू एज ए लॉन्ग। ठीक है, हमने लॉन्ग क्यों लिया? क्योंकि नंबर्स है, इंटीजर भी ले सकता था पर फिर वो 32,000 से ऊपर नहीं जाता, इसलिए हमने यहां पे लॉन्ग लिया। अब मुझे यहां पे बोलिए लॉन्ग का क्या है सर? लॉन्ग नंबर होता है ना सर। ओके, लग रहा है लास्ट क्लासेस की प्रैक्टिस आपने नहीं की है ना जी। लग रहा है। उसके बाद मुझे यहां पे ग्रोथ कैलकुलेट करना है। ग्रोथ कैलकुलेट करने पे जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज होगा। परसेंटेज ऑब्वियसली डेसिमल होता है एक्सेल में। क्या अगर आप 10% डालते हैं तो एक्चुअली में नंबर ही डेसिमल ही तो होता है ना सर। जी जी डेसिमल होता है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, हमने यहां पे एक और वेरिएबल डिफाइन किया कि डिम आर एज ए डबल, क्योंकि डेसिमल डबल ही एक्सेप्ट करता है। जी। फिर आर इक्वल टू हमने दिया क्यू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट ब्रैकेट में क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइड बाय क्यू वन, डिवाइड देना होगा। ओके, और फिर रेंज, रेंज का स्पेलिंग गलत हो गया। रेंज सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, और इसकी फॉर्मेट भी चेंज करनी है। तो वापस रेंज सी टू डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू इनवर्टर कॉमा में 0.00%, समझे जी। और यहां से इसको हमने, अब यहां पे दिक्कत हुआ कि क्यू वन क्यू टू की वैल्यू तो हमने लिया ही नहीं, नहीं लिया ना सर जी। तो यहां पे क्यू वन इक्वल टू रेंज रेंज ए टू डॉट वैल्यू, फिर क्यू टू इक्वल टू रेंज बी टू डॉट वैल्यू वैल्यू। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा, समझ गया जी। आ गया 20%। जी अब यहां पे एक चीज और होगा कि अगर मान लीजिए 56.36 कर दूंगा तो हमारे कैलकुलेशन में कोई फर्क, कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 56.33 को 0.3 को वो यहां एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जी समझ गए, क्लियर है। अच्छा एक और हम यहां पे करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे, मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है और यहाँ पे टाइम है। तो 50 जैसे हमने हमने रेंज दिया Q1 Q2 में, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको कैलकुलेट करेगा। देखिए क्या होगा कि A2 को Q1 पे लोड करेगा, बट क्या है कि Q1 लॉन्ग है तो अगर A2 उसको अगर डेसिमल देगा तो राउंड करके वो स्टोर करेगा, डेसिमल स्टोर नहीं करेगा क्योंकि लॉन्ग कहता है कि हम राउंड नंबर होल नंबर देते हैं। अगर आप मुझे डेसिमल देंगे तो मैं राउंड कर लूंगा, ठीक है, इसलिए सर। ओके ठीक है जी। 5% एंड टाइम मान लीजिए 3 साल और मुझे यहां अमाउंट निकालनी है। तो चलिए इसके लिए हम लेते हैं सब्जेक्ट INT के नाम से,
आईएनटी नाम तो है इंटरेस्ट, आई एन अमाउंट कर देता हूँ, आई के नाम से नहीं बनेगा, अमाउंट अमाउंट के नाम से। तो यहाँ पे वेरिएबल्स, तो मेरे पास कितने इनपुट है, तीन इनपुट है राइट, तीन इनपुट है जी। तो डिम पी एज ए लॉन्ग कर देता हूँ, बड़ा नंबर है जी, डेसिमल में नहीं होगा। फिर डिम आर एज ए डबल करूंगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है जी, और डिम टी एज ए बाइट कर देता हूँ, छोटा नंबर है बाइट, मैंने मंथ में ज्यादा से ज्यादा 256 महीने से ऊपर क्या होगा, क्या मंथ है 256 से ज्यादा क्या होगा राइट सर जी। अब यहां पे मैं करता हूं, फिर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट डेसिमल में आ सकता है, तो डिम आर ई एज ए डबल। अब इसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, और जोड़ी नहीं कि एक ही करेक्टर लो, इसके इस पे आप ज्यादा करेक्टर भी ले सकते हो, आप पूरा प्रिंसिपल लिख सकते हो, पूरा रेट लिख सकते हो, लेकिन सिंपल हम इसलिए लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो आर ई इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन, एन 12 है, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 12, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा देन पी से होगा, ब्रैकेट को मेंटेन करना होगा ठीक है सर। ये वाला थोड़ा फिर से बताइएगा सर। सर ए ए है आपका, यहां पे देखिए कि मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय वन। ये मैंने आपको एक्सेल की फॉर्मूला में भी समझाया था, याद होगा आपको जी जी, तीन कैलकुलेशन यहाँ डाला यहाँ पे सर। सर थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो क्लोज हो गया था, तो सर वो थोड़ा ऊपर रिपीट कर सकते हैं सर, यहाँ पे ऊपर में कि यहाँ पे? हाँ हाँ सर, मतलब ये सर अभी बताएं एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी सिम में नेट खत्म हो गया था, मैं देख नहीं पाया तो क्लास बंद हो गई थी, तो अभी मैंने तो हमने यहाँ पे क्या हुआ कि हमें क्या करना है, प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया हुआ है मुझे, अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के नहीं, थोड़ा सर ऊपर से समझाइए रेंज वाला। ये तो सर ये फॉर्मूला बनाया था, हमने क्वार्टरली लिया था सर, इसको हमने डिवाइड करके रिजल्ट को स्टोर कर दिया है, ये कोई खास नहीं है सर। तो ठीक है सर, नीचे वाला करा दीजिए। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने पी लिया लॉन्ग क्योंकि यहाँ पे अमाउंट है, डबल लिया क्योंकि हमारा रेट डेसिमल में है, और टाइम में बाइट लिया क्योंकि नंबर मंथ है, तो मंथ सॉरी ईयर है, तो 265 साल से ज्यादा क्या होगा, इसलिए मैंने बाइट ले लिया क्योंकि बाइट कम साइज लेता है, 256 तक ही होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे वैल्यू को लोड करना होगा, तो P इक्वल टू जैसे मैंने ऊपर वैल्यू को लोड किया ना Q1 पे A2 एंड B2 से, ऐसे यहाँ पे P इक्वल टू रेंज B5 डॉट वैल्यू, देन R इक्वल टू रेंज B6 डॉट वैल्यू एंड D इक्वल टू रेंज B7 इन्वर्टर को मानो डॉट वैल्यू ठीक है सर। और फिर मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया और फिर रेंज B9 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, समझे। तो सबसे पहले यहां पे मैंने किया वेरिएबल को डिफाइन किया, वेरिएबल पे वैल्यू को लोड किया, देन कैलकुलेट किया। अब सोच रहे होंगे आप कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां जो लोड किया उससे अच्छा है कि मैं Q2 की जगह पे रेंज रख देता, क्या
तो सिंपल कैलकुलेशन में तो इजीली आप कर सकते थे, जब कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा होगा तो इस सब पे रेंज रखोगे तो बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम वैल्यू के ऊपर स्टोर करते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली हो जाता है। जैसे यहां देख सकते हैं कि पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, तो आर डिवाइड बाई एन को हमने ब्रैकेट में लिया है ना सर, फिर इसको वन प्लस कर दिया और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, फिर यहां पे पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन इसको एक अलग अलग रखा और फिर दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अगर इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन लगा, ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो आप यहां भी ये कर सकते थे कि r इक्वल टू r डिवाइड बाय 12, समझे, देन t इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय 12 और यहां पे हमें क्या करना था, यहां पे सिंपल करना था कि यहां पे एक और है, एक काम और करना है नीचे वापस एक मिल गई यहां पे कि r इक्वल टू वन प्लस r p मल्टीप्लाई बाय r डिवाइड ऑफ t r पावर ऑफ t बस। समझ गए सर, और आसानी से तोड़ सकते थे हम ना सर, आ गया सर 58,073। तो राजेश जी एंड सुधीर जी समझ में आया कि कैलकुलेशन कैसे होता है? जी जी सर। डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर यहाँ डाउट नहीं। सुधीर जी यदि कुछ है तो आप पूछ लीजिए। नहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन से पूछने से नहीं होगा सर। देखिए कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कौन से वेरिएबल कैसे स्टोर करेंगे जी, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा।